आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्यौरा अपन जो करने वाले हैं वो रायपुर में अपन श्याम नगर से लेके कटोरा तालाब, ओल्ड राजेंद्र नगर, टैगोर नगर, बैरन बाजार, पुलिस लाइन और कालीवाड़ी चौक, ये सारी माता का पंडाल देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं, दर्शन कराने वाले हैं घर बैठे ही। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो कटोरा तालाब चौपाटी से श्याम नगर की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले ये पंडाल अपने को दिखा। ये देखिए, ये दुर्गा माता का पंडाल, गुफा बनाई गई है और गुफा में ये माता की प्रतिमा है। और अब ये श्याम नगर गुरुद्वारा के बाजू से जो गलियां गई हैं, ये सारी गलियां अपन विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे ये पंडाल दिखा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक से एक पंडाल दिखाने वाले हैं आज रायपुर के आपको। तो चलते हैं श्याम नगर की एक और गली में और देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग का नज़ारा है यहाँ पे। और ये पंडाल देखिए, वाओ, अलग ही खूबसूरती, एक नेचर का एहसास हो रहा है इस पंडाल में। इनने बहुत ही बखूबी से इसको बनाया है, दोनों साइड वाटर फाउंटेन दिए हुए हैं, जैसे पहाड़ से पानी बहता है झरना के रूप में वैसा ही दिख रहा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये, बहुत शानदार पंडाल बनाया है इन्होंने, ये श्याम नगर का पंडाल है। माता दुर्गा पंडाल के ऊपर एक और ब्लॉग आएगा जिसमें दूसरे एरिया का पंडाल दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, प्लस रायपुर में जहाँ जहाँ गरबा हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स के लिए उसके लिए एक अलग से ब्लॉग आएगा, उसका पूरा डिटेल दिया जाएगा कहाँ कहाँ गरबा हो रहा है और आपको दिखाया जाएगा। तो चलते हैं अभी कटोरा तालाब, हम पहुँच गए हैं कटोरा तालाब का ये पहला पंडाल। नेताजी होटल से आप कटोरा तालाब चौपाटी साइड जाएंगे तो लेफ्ट में ये आपको एक पंडाल दिख जाएगा, इसके आगे एक और जाएंगे तो एक और पंडाल है उसको भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए, चौक से आने वाला रास्ता है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पंडाल लगे हुए हैं, तो अभी अपन राइट तो देख लिए, लेफ्ट और देख लेते हैं आगे। गोवर्धन चौक, ओल्ड ड्राइव नगर, देखिए यहाँ का पंडाल। ओल्ड राइन नगर गोवर्धन चौक के बाद हम लोग आए हुए हैं टैगोर नगर, और टैगोर नगर में ये पंडाल देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लगा हुआ है। पंडाल में पूरा नौ देवी दर्शन कराया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया है इन्होंने। तो टैगोर नगर के बाद अपन आ गए हैं पुलिस लाइन के आगे, जो छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल है जस्ट उसके सामने आपको ये पंडाल दिखेगा खूबसूरत सा, जो गांव थीम पे बनाया है। और माता की प्रतिमा देखें तो माता पार्वती जी हैं अपनी फैमिली के साथ, भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी साथ में हैं। इतना मनमोहक दृश्य देखने के बाद अब जा रहे हैं बैरन बाजार और देखेंगे वहाँ का पंडाल। तो चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ का पंडाल कैसा बना है इस बार, बाकी बहुत खूबसूरत बनता है वहाँ का पंडाल। बैरन बाजार चर्च और उसके जस्ट सामने एक पंडाल लगा हुआ है, तो चलिए इसके भी दर्शन करते हैं और कराते हैं आपको। नीचे कमेंट करके बताइए आपको 2021 के दुर्गा पंडाल कैसे लग रहे हैं और आप नेक्स्ट पंडाल कहाँ का देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। बैरन बाजार चर्च के सामने कंप्लीट करके अपन निकल रहे हैं कालीवाड़ी साइड। तो वही कालीवाड़ी चौक पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ एक पंडाल लगा हुआ है, तो चलिए करते हैं इसका दर्शन। जिसका हमें इंतज़ार था हम वहाँ पहुँच चुके हैं, यानी कि कालीवाड़ी चौक। तो
आप देखिए ये काफ़ी फेमस मंदिर, इसे तो आप जानते ही होंगे। इस मंदिर के जस्ट सामने एक गोल्डन कलर का पंडाल लगा हुआ है। हर साल यहाँ गोल्डन कलर का पंडाल बनता है और बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनता है। तो देखिए आप दर्शन कीजिए यहाँ का भी। तो कालीवाड़ी चौक के दर्शन करते हुए अब अपन चल रहे हैं काली माता मंदिर के पास आकाशवाणी। तो वहाँ से आगे एक पंडाल लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना है, वो भी दिखा देते हैं। बट उससे पहले देखिए रायपुर अपना रात में कितना खूबसूरत दिखता है, देखिए आप इसको और मजे लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही और लेते हैं आपसे अलविदा। मेरा नाम रोहित अग्रवाल, देख रहे हैं आप ब्यौरा विद रोहित। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे रायपुर में गरबा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, सारी डिटेल्स बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।